नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम भारत में जल विद्युत ऊर्जा के विकास पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे पहले हम जल विद्युत ऊर्जा की कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। सामान्यतः किसी नदी के ऊपर एक बांध बनाया जाता है और बांध बनाने के बाद पानी को पीछे रिजर्वायर के रूप में या जल स्रोत बना दिया जाता है उसका। फिर उसमें एक तरफ से पानी जब ज्यादा अगर बांध भर जाए तो उसको निकलने के लिए रास्ता रखा जाता है, और उसी बांध के आसपास अगर हम देखें तो जल विद्युत के लिए प्लांट भी तैयार किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, ये वाटर रिजर्वेयर है। इस वाटर रिजर्वेयर में यहाँ से पानी को नीचे की तरफ लाया जाता है। यहाँ एक कंट्रोल गेट लगा होता है कि पानी कितना छोड़ना है, ताकि इसको ऊपर नीचे करके उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इस रिजर्वेयर से पानी को इस तरह आगे नीचे की तरफ गिराया जाता है। आगे रास्ते में एक टर्बाइन लगाया जाता है जो गोल घूमता है, तो इधर पानी के प्रवाह जो होता है उससे जो ताकत जनरेट होती है उससे ये टर्बाइन ऐसे गोल गोल घूमने लगता है और उससे ताकत पैदा होती है। उस ताकत को इस जनरेटर और ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, और विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद उस विद्युत को फिर आगे सप्लाई कर दी जाती है। ये जो पानी है आगे टर्बाइन को घुमाने के बाद, वो पानी आगे फिर इसी नदी में वापस जाके मिल जाता है। तो एक सामान्य सा इसका इसकी प्रक्रिया है जल विद्युत उत्पादन करने की। तो इस तरह से हम इस चित्र से समझ सकते हैं कि कैसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहा जाता है, कहीं केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, कहीं हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इन सारे सब नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन हम मूल बात अगर कहें कि ये क्या चीज है जल विद्युत उत्पादन, तो इसका एक सामान्य सा जो कंसेप्ट है वो ये है कि पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, उस टरबाइन को घुमाया जाता है, और उससे जो ताकत पैदा होती है उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अब अगर हम एक दूसरे स्वरूप को भी देखें कि किस तरह से हम इसका उत्पादन कर सकते हैं, तो यहाँ आप देखिए एक तरीका ये भी है। जैसे यहाँ से नदी इस तरह बह रही है सामान्यतः, लेकिन अगर हम इस पानी को यहाँ से इस तरफ डाइवर्ट कर दें, छोटा डैम एनीकट चैनल कुछ बना करके यहाँ ले आए, और फिर यहाँ से हम नीचे गिराएं और बाकी का प्रोसेस मैंने आपको पीछे बताया वैसा, और वो पानी वापस इसी नदी में मिल जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कई तरह के इसके स्वरूप हो सकते हैं अलग अलग जगहों पर इस तरह से जल विद्युत पैदा की जाती है। अब सवाल यह है कि भारत में जल विद्युत जो है, या जो ये जो ताकत है पानी की, उसको कब से इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसका एक पुराना उदाहरण हमें मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहां एक आटा चक्की चलाई जाती थी इस पानी के पानी की ऊर्जा से, जिसको हम घराट कहते हैं। ये 7वीं सदी से वहां पर चल रही है, लेकिन वर्तमान में तो ये बिल्कुल लगभग खत्म सी होने वाली है, विलुप्त हो गई है ये जो घराट सिस्टम जो था वो। अब यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, सामान्यतः पानी वहां हिली रीजन है तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता रहता है, और वो जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है तो बड़ी तेजी से उतरता है, और रास्ते में अगर हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दे तो उसके ऊपर प्रेशर से उसको घुमाया जा सकता है। तो ठीक इसी तरह से आप यहाँ देखिए, अंदर एक पत्थर ऊपर है, इसी तरह से एक पत्थर नीचे है, और नीचे फिर वो पानी जो चैनल आता है उससे उस एक टर्बाइन की तरह वहां पर भी कुछ ऐसा सिस्टम लगाया गया, तो पानी जैसे ही ऊपर आता है वो उसको घुमाता है, तो ये पत्थर भी एक दूसरे से ऐसे घूमते रहते हैं, और फिर इसमें क्या होता है कि ये गेहूं यहां नीचे जाता है, वो पिसता रहता है, और इस तरह से उसका आटा बनता रहता है। मतलब बिना बिजली के 7वीं सदी से इस तरह से आटा बनाया जा रहा है पानी की सहायता से, जल की सहायता से, एक तरह से हम कहें तो। ये बहुत पुराना सिस्टम है, इसको पूरे को हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए पानी ऊपर से आता है, वो घराट सिस्टम जो मैंने अभी अंदर बताया इसके अंदर चल रहा है, और वो पानी चैनल आगे की तरफ चलता रहता है। तो ये सिस्टम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी पुराना सिस्टम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं जल की इस ताकत का इस्तेमाल तो 7वीं सदी से ही कर रहा है। दुनिया में अगर हम मॉडर्न देखें कि सबसे पहले कहाँ इसकी शुरुआत हुई, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत वर्ल्ड में फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया था वो विस्कॉन्सिन में लगाया था 1882 संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ देखिए जगह है, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर खड़ा करके जल विद्युत उत्पादन की कोशिश वहां पर की गई थी।
इसी तरह से अगर हम भारत में पहला प्रयास देखें तो भारत में सबसे पहला प्रयास हुआ था दार्जिलिंग के अंदर, वेस्ट बंगाल का ही जो स्टेट ऊपर वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके नॉर्थ में, यहाँ पर दार्जिलिंग एक जगह है, उसमें 1887 के अंदर 130 किलोवाट का पहला प्लांट भारत के अंदर यहाँ पर स्थापित हुआ था। और उसके बाद भारत में आधुनिक जो ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा है उसका उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि एशिया में पहला प्लांट था जल विद्युत उत्पादन के लिए जो दार्जिलिंग में लगा। हालांकि इसके ईयर को लेकर थोड़ा विवाद है कि कुछ कुछ रेफरेंस में इसको 1898 किसी में 97 भी लिखा है, लेकिन भारत सरकार की जो इंडिया वारिस साइट है उसके ऊपर इसको 1887 में पहला प्लांट बताया गया है कि भारत में इसकी शुरुआत है। फर्स्ट भारत के अंदर जो आइडियल कंडीशंस हैं इस जल विद्युत उत्पादन की, उसमें हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी खत्म नहीं हो सकती, बार बार इसको हम उपयोग में ले सकते हैं, और फिर पॉल्यूशन लेस है, इस पर प्रदूषण नहीं होता किसी तरह का, तो ये आदर्श कंडीशन है इसके लिए। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स, भारत के अंदर काफी नदियां उपलब्ध हैं जो कुछ तो वर्ष भर बहती हैं, कुछ मौसमी नदियां हैं, लेकिन पानी इसमें काफी भारत के अंदर मिल जाता है। दूसरा किसी तरह के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है, पानी खुद ही एक कच्चा माल है और वो एज इट इज बाद में यूज भी लिया जा सकता है। तो इस वजह से हम पानी जो जल विद्युत बनाने के बाद जो पानी बचता है उसका हम सिंचाई और बाकी सारे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जो रॉ मटेरियल लग रहा है एज अ पानी वो भी वापस सारा प्योर ही रहता है, उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा भारत के अंदर जो ज्यादातर कोल फील्ड है वो सारे ईस्टर्न पोर्शन में है, यहाँ पर है, तो बाकी ये वाला भारत और इस पूरे रीजन के अंदर कोयले का थोड़ा अभाव पाया जाता है, तो ऐसे में जल विद्युत पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। तो कोयले का पर्टिकुलर एक एक, एक विशेष क्षेत्र के अंदर सीमित होना भी इसके लिए इस जल विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए एक आदर्श कंडीशन है। जैसा हम कह रहे हैं कोयला पेट्रोल और नेचुरल गैस बहुत लिमिटेड भी है, हालांकि कोयला भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में है लेकिन पेट्रोल और नेचुरल गैस उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में भी इस डिपेंड इसके ऊपर बढ़ती जाती है, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए भारत में। साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि भारत का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं जल विद्युत उत्पादन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब भविष्य में ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन बन सकता है, इस बात की संभावना हम महसूस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आज कुछ भारत के अंदर एडवर्स कंडीशंस भी हैं और उसमें से एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं जो है उनकी काफी कमी है भारत के अंदर जल विद्युत उत्पादन को बनाने के लिए। दूसरा नदियां बहुत सारी वो सीजनल नदियां हैं, सीजनल का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर ऋतु या बारिश के सीजन में बहती है, उसके बाद वो सर्दियों में और फिर गर्मी में सूख जाती है, तो ऐसे में जल विद्युत उत्पादन करना उन सीजन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर डैम बनाया और डैम बना के उस पानी को रोका ताकि हम बाद के सीजन में भी उस विद्युत का उत्पादन कर सके। तो एक प्रॉब्लम है कि भारत की जो मूलतः दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर सीजनल नदियां हैं, उनमें पानी बार बार नहीं आता, तो एक बांध बनाना पड़ता है और पानी रोकना पड़ता है, और बांध बनाना बहुत खर्चीला काम भी है, प्लस पर्यावरण के लिए भी बड़े बांधों को आजकल अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही नदियों के अंदर भारत में थोड़ी मिट्टी और रेत बहती है, तो वो जो रेत और मिट्टी है वो टरबाइन वगैरह जो भी है उनको काफी नुकसान पहुंचाती है, तो बार बार उनकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है या उनको चेंज करना पड़ता है, काफी खर्चीला काम एक तरह से है। साथ ही जो वाटरफॉल जो आदर्श कंडीशन पैदा करते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए वो बड़े शहरों मार्केट और ऐसे से अनएक्सेसिबल है, बहुत दूर है, दूर दराज के जंगल में पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहां इतनी विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है और फिर वहां पहुंच के बिजली पैदा करके दूर तक पहुंचाना काफी खर्चीला काम भी होता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है भारत के अंदर जो एडवर्स कंडीशन मानी जाती है, जो अच्छी नहीं है जल विद्युत उत्पादन के लिए। अब हम भारत में हाइड्रो पावर जो प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, प्रमुख जल विद्युत उत्पादक जो प्रदेश हैं उनकी बात कर सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत का पहला रीजन जो हिमालयन रीजन कहलाता है, या नॉर्थ इंडिया भी हम कह सकते हैं, और इस नॉर्थ इंडिया में ये पूरा हिमालयन प्रदेश इसमें सम्मिलित हो जाता है। अब इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर मिजोरम तक ये सारे स्टेट इसमें सम्मिलित है, ये सारे स्टेट इसमें सम्मिलित है। भारत के अंदर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है जल विद्युत उत्पादन की वो इसी क्षेत्र में है, और उसका रीजन ये है कि यहाँ बारिश का पानी आता रहता है, नदियां सदा प्रवाहित है, गर्मी के सीजन में भी पानी मिलेगा क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी आता रहता है, और धरातल असमतल है ताकि जगह जगह पर पानी नीचे उतरता है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो आदर्श कंडीशन है, और इसीलिए इस पूरे हिमालयन रीजन के अंदर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है भारत के अंदर जल विद्युत उत्पादन पैदा करने की। अकेली ब्रह्मपुत्र नदी भारत की जल विद्युत उत्पादन की 44% ऊर्जा की संभावना रखती है, इसी तरह से सिंधु नदी में 24% संभावना है, गंगा में 13% संभावना है, तो देखिए तीन बड़ी नदियां ही कितनी जल विद्युत उत्पादन की संभावना पॉसिबिलिटी भारत के अंदर रखती है। हालांकि हमने अभी इतना विकास नहीं किया लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है हिमालयन रीजन के अंदर।
दूसरा जो हमारा रीजन है उसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादातर ये सारे स्टेट सम्मिलित हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस तरह से तेलंगाना वगैरह। अब इन सारे स्टेट्स के अंदर क्या है प्रॉब्लम की सीजनल है नदियां, मौसमी नदियां, वो वर्षा ऋतु में बहती है, बाकी सीजन में सूख जाती है। इसलिए हमें बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं और बड़े बड़े डैम बना के फिर उस पानी को रोक के फिर बाद में हम उसको वर्ष भर चलाते हैं, तो ये थोड़ा खर्चीला काम है। इसी तरह से वेस्टर्न घाट यहाँ पर जो है उसमें भी बहुत संभावना यहाँ पर मौजूद है और काफी विकास भी हुआ है, हम थोड़ा आगे इस पर बात भी करेंगे। तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है संभावना वाला भारत के अंदर, वो पेनिनसुलर इंडिया है। तीसरा बड़ा क्षेत्र है वो है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत जिसको हम कह सकते हैं। और मध्य भारत में सारे पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ विंध्याचल, सतपुड़ा, मेकाल, महादेव, इस तरह का बीच वाला सारा पठारी रीजन है। लेकिन भारत में सबसे कम संभावना यहाँ पर है और विकास भी कम ही हुआ है यहाँ पर। कारण उसका यह है कि वेस्टर्न रीजन, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ कोयला पाया जाता है, तो जल विद्युत की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती क्योंकि कोयला आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, अगर इस रीजन में हम जाएं तो यहाँ थोड़ा ड्राउट सिचुएशन है, नदियों का अभाव है, थार का डेजर्ट है, गुजरात का जो नॉर्थ वाला हिस्सा उसमें भी पानी ज्यादा नहीं है, तो इस रीजन में कम संभावना बनती है। और इधर कोयला ज्यादा होने की वजह से जल की इतनी नीड, जल विद्युत की इतनी नीड महसूस नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सबसे कम संभावना वाला रीजन हम व्यक्त करते हैं भारत के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना तो हिमालयन रीजन के अंदर ही है। अब हम भारत में जो जल विद्युत ऊर्जा का विकास हुआ है उसको दो भागों में बांटकर समझते हैं। पहला है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आजादी के पहले का समय, और जब आजाद, और दूसरा है आजादी के बाद का समय। अब आजादी के पहले वाले पीरियड की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था 1887 के अंदर पहला जो प्लांट भारत के अंदर लगा वो एशिया का पहला प्लांट था, 130 मेगावाट का, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का सबसे उत्तर वाले हिस्से में दार्जिलिंग के अंदर लगा। इसी तरह से 1902 में 42 मेगावाट का एक प्लांट लगा कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम नामक जगह पर, जो कावेरी नदी पर बनाया गया था, ये 42 मेगावाट का था। तो ये इनिशियल दो जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से स्टार्ट किए गए थे। ये शिव समुद्रम जो प्लांट है उसका उसकी उसका चित्र है। उसके बाद क्या होता है उसको समझिए। उसके बाद 1915 की बात है, खोपोली एक जगह है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, और वहां वेस्टर्न घाट है। उस वेस्टर्न घाट में जो खोपोली हाइड्रो प्लांट है उसकी स्थापना की गई 1915 के अंदर। बेसिकली यहाँ क्या हुआ, तीन झीलें तैयार की गई, जिसका नाम एक तो शिरोता है, वलवान है और लोनावला है। इन तीनों जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया गया और वर्षा का पानी इकट्ठा करके एक नहर बनाई गई और 510 मीटर की दूरी पर वो पानी ले जा करके वहां जल विद्युत उत्पादन की गई। 72 मेगावाट उसकी क्षमता थी और बाद में उस बिजली को मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह से आप देख सकते हो ये प्लांट। अगला क्या होता है 1922 में भीवपुरी हाइड्रो प्लांट लगाया जाता है, ये 75 मेगावाट का है। ये जो लोनावला है उसके ठीक उत्तर में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आंध्रा करके एक नदी है, उसके ऊपर एक छोटा डैम बनाया जाता है और डैम बनाने के बाद वहां से पानी को 536 मीटर नीचे गिराया जाता है और वहां पर फिर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। 75 मेगावाट बिजली पैदा होती है और इसको भी मुंबई में सप्लाई कर दिया जाता है। तीसरा क्या होता है 1927 के अंदर भीरा हाइड्रो प्लांट बनाया जाता है, ये भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है और यहाँ पर एक नीलामूला नदी है, उस नीलामूला नदी के ऊपर फिर एक बांध बनाया जाता है और 533 मीटर की हाइट पर पानी नीचे गिराया जाता है। देखिए इस तरह से वो पाइप बनाए गए थे सारे और सामने वो प्लांट लगा हुआ वहां पे और फिर वो टर्बाइन घुमा के वहां बिजली पैदा की गई। ये 300 मेगावाट का प्लांट था और ये सारी बिजली मुंबई के अंदर, क्योंकि वो एक बड़ा औद्योगिक शहर था तो उसमें डिमांड भी ज्यादा थी। तो इस तरह से ये देखिए तीनों 1915, 1922 और 1927 में तीन प्लांट लगाए गए महाराष्ट्र के अंदर और इससे जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित की गई। ये देखिए यहाँ की है, ये सारे प्लांट जो लगे हुए सब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहीं पर है, ये इसकी लोकेशन होगी महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही अगर हम ये फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर कई सारे राज्यों में छोटे छोटे और प्लांट लगाए गए और 1947 तक भारत में जो टोटल कैपेसिटी थी 508 मेगावाट की थी। और ये इस तरह से भारत में सिलसिला आजादी के पहले का चलता रहा और कई राज्यों में इस पे छोटे छोटे प्लांट लगने स्टार्ट हो गए। ये जो 1915 में शुरुआत हुई थी, 2015 के अंदर 100 वर्ष पूरे हो गए इस टाटा पावर प्रोजेक्ट के, क्योंकि ये सारा विकास जो किया था वो टाटा कंपनी ने किया था, तो इस वजह से एक डाक टिकट भी जारी की गई थी 100 वर्ष के उपलक्ष में।
अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद किस तरह का विकास भारत के अंदर होता है। तो आजादी के बाद हम देखें कि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, तो उन सारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर कई सारे बांध बनाए गए और भारी मात्रा में जल विद्युत उत्पादन किया गया, जिसकी बात हम आगे कुछ करेंगे भी सही। लेकिन ये सारे जो बांध बड़े बड़े बने वो सारे इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर बने, और इन पंचवर्षीय योजनाओं से इस जल विद्युत उत्पादन का जो विकास है वो तेजी से होने लगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई 1975 में, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसको हम राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम भी कहते हैं। तो इसने फिर जल विद्युत उत्पादन का बहुत विकास तेजी से भारत के अंदर किया। ये इस तरह का आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हाइड्रो पावर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई, वो 1998 में बनाई गई। इस पॉलिसी में भी जल विद्युत ऊर्जा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो इन सारे बांधों की वजह से और इन पॉलिसीज के अंदर जो काम किया गया, ये एनएचपीसी से जो काम किए, जो इस पॉलिसी में व्यवस्थाएं की गई, उन सबका परिणाम ये रहा कि भारत में वर्तमान में 46,512 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा पैदा की जा रही है जनवरी 2022 के भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, जो कि भारत की कुल जो जो ऊर्जा है उसका लगभग 12% हिस्सा या 11.8% हम कह सकते हैं, 12% हिस्सा उसमें जल विद्युत उत्पादन का है, जल विद्युत का है। इसी तरह से कुछ छोटे प्लांट जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहलाते हैं, वो भी भारत में 4,840 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि भारत की कुल ऊर्जा का 1.2% है। ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें हम ये उसका मतलब ये है कि अगर भारत में 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन पैदा करने वाला कोई प्लांट है तो उसको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। कब? 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। 25 मेगावाट से ज्यादा वाले फिर बड़े में आ जाते हैं, तो 25 वाले। अब एक ये भी है कि 2 मेगावाट से कम वालों को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर 100 किलोवाट से ज्यादा 100 किलोवाट से कम बिजली पैदा करने वाला कोई प्लांट है तो उसको हम माइक्रो जल विद्युत प्लांट कहते हैं। इसी तरह से 100 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक अगर कोई प्लांट बिजली पैदा करता है तो उसको मिनी जल विद्युत प्लांट कहते हैं, और 2 से 25 तक स्मॉल हाइड्रो, लघु जल विद्युत परियोजना के नाम से वो जाना जाता है। इस तरह से भारत में ये हायरार्की की गई है। तो जो स्मॉल हाइड्रो पावर है वो भारत की लगभग 1.2% ऊर्जा पैदा करते हैं। अब ये भारत का जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है 31 मार्च 2021 के हिसाब से उनकी ये स्थिति है। सबसे बड़ा स्टेट जो स्मॉल हाइड्रो पावर से बिजली पैदा कर रहा है वो कर्नाटक है। यहाँ 1281 मेगावाट बिजली पैदा होती है इस स्मॉल हाइड्रो पावर से। और दूसरे नंबर पर इसमें हिमाचल प्रदेश है, ये स्मॉल हाइड्रो पावर से लगभग 936 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इस मामले में सबसे छोटा स्टेट जो है वो गोवा है, ये केवल 0.05 मेगावाट बिजली ही पैदा करता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। बाकी ये सारे स्टेट और बाकी में आप देख सकते हैं कलर के हिसाब से किस तरह से छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भारत के अंदर काम करती है। 1 मेगावाट में 1,000 किलोवाट होते हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो बड़े पावर प्लांट है उनमें से कुछ पावर प्लांट्स की यहाँ पर डिटेल में भारत के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 5 बड़े जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है। सबसे पहली भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना, 2006 में ये शुरू की गई है, भारत को समर्पित की गई है। रिवर यहाँ वैसे भागीरथी बड़ी नदी है लेकिन ये दोनों के संगम पर है, भागीरथी और बेलंगाना। इसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट है वर्तमान में जल विद्युत पैदा करने वाला उत्तराखंड के अंदर। दूसरा हम देखें महाराष्ट्र के अंदर, ये कोयना प्रोजेक्ट है जो 1963 में बनाया गया था। झील बनाई गई थी यहाँ पे कोयना नदी के ऊपर और 1963 में यहाँ से उत्पादन शुरू किया गया था। हालांकि बाद में 1967 में कोयना के अंदर एक भूकंप भी आया था जिसके लिए कहा गया था कि इस झील की वजह से ये भूकंप आया, उस भूकंप में इस प्रोजेक्ट को काफी नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन फिर भी जो भी है वर्तमान में ये 1960 मेगावाट बिजली पैदा करता है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के अंदर। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है भारत का श्री सैलम जल विद्युत परियोजना है, ये 1980 में बनाई गई थी, कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है नाथपा जाकरी जो 2005 में पूरा हुआ, यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज रिवर पर ये बनाया गया है और इसकी क्षमता है 1530 मेगावाट। पांचवा बड़ा प्लांट है जल विद्युत सरदार सरोवर परियोजना जो 2017 में ही शुरू की गई है, नर्मदा नदी पर है ये गुजरात के अंदर और इसकी क्षमता है 1450 मेगावाट। ये भारत के 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं जल विद्युत परियोजना के, जो 5 मिलकर लगभग 9000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं भारत की
अभी हमने कहा कि 46,512 उसकी टोटल क्षमता, उसमें से 9,000 तो लगभग यही पांचों मिलकर पूरी कर लेते हैं। इसके अलावा कई सारे और प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं कुछ मेजर है तो हजारों की संख्या में होंगे छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट, लेकिन मैं कुछ मेजर स्टेट वाइज आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है, ये नदी का नाम है जिस पर वो प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, और ये उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है मेगावाट के अंदर, और ये जो एरो है वो उसके स्टेट को शो करेगा या केंद्र शासित प्रदेश को शो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर 960 मेगावाट, 690 मेगावाट की क्षमता है इसकी। दूसरी दुलस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही है 390 मेगावाट, और उरी परियोजना झेलम नदी पर है 480 मेगावाट। दूसरा स्टेट हम हिमाचल प्रदेश देखें तो नाथपा जाकरी, अभी हमने बात की ही इसके बारे में, भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलुज रिवर पर 1325 मेगावाट इसकी क्षमता है, देहर व्यास नदी पर है 990 मेगावाट। इसी तरह से चमेरा फर्स्ट और चमेरा सेकंड दोनों रावी नदी पर है, पोंग बांध व्यास नदी पर है, तो ये सारे हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो टिहरी परियोजना अभी हमने जिसकी बात की 2400 मेगावाट, ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट भी है। धौली गंगा है 280 मेगावाट, धौली गंगा पर ही है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है 120 मेगावाट की है। गुजरात में अगर हम देखें तो यहाँ सरदार सरोवर अभी हमने बात की 1450 मेगावाट इसकी क्षमता है। कर्नाटक के अंदर शरावती है, शरावती नदी पर ही है 1035 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसी तरह से अगर हम पंजाब के अंदर देखें तो रणजीत सागर रावी नदी पर है 600 मेगावाट। उत्तर प्रदेश में रिहंद रिहंद नदी पर ये 300 मेगावाट इसकी क्षमता है। सिक्किम में तीस्ता 6 नंबर की जो जो प्रोजेक्ट है वो तीस्ता नदी पर है 510 मेगावाट। मणिपुर के अंदर एक लोकटक झील है, इस झील पर भी जल विद्युत प्लांट लगाए गए हैं तो वो 105 मेगावाट का है। मध्य प्रदेश के अंदर इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर स्थित है 1000 मेगावाट उसकी क्षमता है। ओंकारेश्वर ये भी नर्मदा नदी पर है 525 मेगावाट। इसी तरह से बाण सागर है सोम नदी पर, ये भी 425 मेगावाट का है। महाराष्ट्र के अंदर कोयना कोयना प्रोजेक्ट अभी हमने बात की 1960 मेगावाट इसकी क्षमता है। श्री सेलम कृष्णा पे 1670। नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर है, ये भी 965 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसी तरह से केरल में इडुक्की ये पेरियार नदी पर है 780 मेगावाट, यहाँ पर बिजली पैदा होती है। तो इस तरह से भारत के कई सारे डैम हैं, मैंने ये तो केवल कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ और जो प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है उनको यहाँ स्टेट वाइज आपके सामने रखने की कोशिश की। अदरवाइज भारत के अंदर हजारों की संख्या में जल विद्युत परियोजनाएं छोटी 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 सारी काम कर रही है वर्तमान के अंदर, तो वो सारी है, ये कुछ मेजर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना किस प्रदेश में है? भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना किस नदी बेसिन में है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? खोपोली बीपुरी एवं भीरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप इन सभी सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आंसर मिला तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।